वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक से वापस आने के बाद जैसे मैं आपको बताती चलती हूँ कि फेसबुक पे हमारा पेज मौजूद है हेलो हेलो मॉर्निंग का, HELLO MORNING जी बिल्कुल, हेलो हेलो मॉर्निंग का पेज मौजूद है। आप वो लाइक कर सकते हैं, हमें टेक्स्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर यकीनन हमारा नंबर भी मौजूद होगा। मैं आपको बताती चलती हूँ, अपना सेल फोन उठाएं और फटाफट कॉल करें क्योंकि डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, अपने बच्चों के बारे में पूछें। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आपको मालूम नहीं होती है और डॉक्टर के पास जाने का टाइम भी नहीं होता है, बट लाइव शो में हमारे ऐसा होता है, ये फायदा होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं हमारे साथ मौजूद, तो आप उनको कॉल कर सकते हैं, अपने बच्चों के बारे में पूछ भी सकते हैं। 02135890271 जी बिल्कुल यही नंबर है जी। सर हम जॉइंटिस पे बातें कर रहे थे, आपको बताया था कि जब अगर आपको लग रहा है कि जॉइंटिस ज्यादा हो रहा है, आपको लग रहा है बच्चा, तो फिर आप एक टेस्ट जरूर करवा लें, उस हिसाब से फिर ट्रीटमेंट होती है, फोटोथेरेपी दी जाती है, शुरू में आप कंट्रोल करें। अगर ज्यादा उसकी कॉम्प्लिकेशन चली गई तो फिर जहनी तौर पर बच्चा माजूर हो जाता है या एक्सपायर हो जाता है। तो थोड़ा सा एक अवेयरनेस है, एक प्रिकॉशन है जो आप ले सकते हैं, प्रिवेंशन है, तो वो आप लें तो उससे आप सेफ हो सकते हैं काफी। फिर वैक्सीनेशन है, जैसे वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है क्योंकि हर बीमारी की हमारे पास वैक्सीनेशन कुछ अवेलेबल है, सही ना। जैसे नमूने की हमने बात करी, अब वो वैक्सीनेशन लगा सकते हैं। फिर BCG लगता है ट्यूबरक्लोसिस के लिए, तो उससे हमने किसी प्रिवेंशन कर ली है। फिर मिजल्स है जो एक बहुत एक्सपायरी भी हुई थी अगर आपको याद हो, एक दो साल पहले, उसकी वजह से, तो उसकी भी वैक्सीनेशन हमारे पास अवेलेबल है। और ये सब वैक्सीनेशन, देखें बात ये है कि हमारी गवर्नमेंट आपको फ्री में प्रोवाइड कर रही है, आपको कोई पैसे नहीं देने, सिर्फ आपको जाके ये वैक्सीनेशन लगवानी है, सही ना। क्या पता लोगों को पता ना हो, तो यही जब मैं अवेयरनेस आपको बता रहा हूँ कि आपके प्रोग्राम के थ्रू हम ये मैसेज अवेयर करें कि भाई आपको न्यूमोकोकल वैक्सीन, जो इतनी महंगी वैक्सीन है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि निमोनिया लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है, जितने बच्चे एक्सपायर हो रहे हैं, तो अगर हम आपके थ्रू ये अवेयरनेस प्रोग्राम जा रहा है और ये मैसेज जा रहा है और वैक्सीनेशन अवेलेबल है, लोग लगवा रहे हैं, तो हम कितनी जिंदगियां बचा सकते हैं, सही ना। तो निमोनिया की वैक्सीनेशन अवेलेबल है, आप वो लगवा सकते हैं। फिर आगे डिप्थेरिया है, पर्टियोसिस है, टेटनस है, पोलियो की, आप पोलियो से अभी तक नहीं छुटकारा पा सकते, उसकी वैक्सीनेशन आपको मिलती है। फिर 9 मंथ्स में मेजल्स लगती है आपको, सही ना। फिर आगे तो आप वैक्सीनेशन का कोर्स जरूर करें, लेकिन सबसे बहुत जरूरी है वैक्सीनेशन, आप प्रिवेंट कर सकते हैं बहुत सारी बीमारियों से और बहुत बच सकते हैं। फिर इसके अलावा भी वैक्सीनेशन हमारे पास है, हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन अवेलेबल है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि जो बच्चे होते हैं जो बाहर जाके खाने खा रहे होते हैं, जो ये ठेले से खाला चीजें खा रहे होते हैं, और हमारे यहाँ पानी की प्रॉब्लम है, पानी प्रॉपर नहीं आता, तो उससे हेपेटाइटिस ए बहुत कॉमन हो जाता है। जो वाटर बॉर्न डिजीज अगर हम बात करें तो हेपेटाइटिस ए उसमें बहुत ज्यादा हम बच्चों में देख रहे होते हैं, तो उससे प्रॉब्लम ये होती है। देखें बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है सबसे पहले, 30 से 40 दिन का उसका बच्चा बीमार है, उसमें उसको अलामत सारी आ रही होती है, कमजोरी हो रही होती है, जॉइंटिस हो जाता है, सारी चीजें, तो बच्चा पढ़ाई से भी परेशान हो रहा है, चीजें, तो हम इसकी प्रिवेंट कर सकते हैं। टाइफॉइड बहुत कॉमन है, टाइफॉइड हमें ये इसी वजह से होता है कि जो अगर हम जो बाहर से चीजें खा रहे होते हैं या पानी हम बॉयल करके ना, ठीक है, इन चीजों से ये बीमारियां फैलती हैं, तो हमें ये प्रिवेंट करना चाहिए। अब ये हर कोई कर सकता है, सही ना। आप एक सिर्फ एक प्रॉपर हाथ हैंड वॉशिंग कर लें, आप कितनी बीमारियों से बच सकते हैं, सही ना। आप फ्लू से बच सकते हैं अगर आप प्रॉपर हैंड वॉशिंग कर लें, सही ना। आप थोड़ा सा घर में ख्याल कर लें, अगर किसी को फ्लू है, सही है, तो आप उसमें बहुत सारी एक वायरस है तो आप ख्याल कर सकते हैं, अगर किसी को फ्लू वायरस हुआ है तो वो एहतियात करे, उसके जो बर्तन है, उसकी खाने पीने की चीजें आप थोड़ा सा अलग कर दें, ठीक है, और वो जब खांसे तो वो कोशिश करे कि हाथ पर खांसे से ये चीज याद है कि कुछ लोग खांसते हैं और छींकते हैं, तो वो जो जर्म्स होता है वो कितने एरिया तक स्प्रेड कर रहा होता है, बिल्कुल वो एरियाज में स्प्रेड होता है, और फिर काफी टाइम तक वो वहां पे जर्म्स रहते हैं। तो हम देखते हैं ना, एक फ्लू हुआ तो कहते हैं जी पूरे घर में फ्लू हो गया, सही ना। और ये नहीं कि बस वो फ्लू वायरस है कि सर्दियों में ही सिर्फ होना है जी, बस वो सर्दी से वायरस नहीं होता, वो वायरस ऐसे होता है कि आप प्रॉपर हैंड वॉशिंग नहीं करते। अगर किसी को हो गया है तो वो ख्याल करे, आराम करे, और इसमें कोई एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, फ्लू वायरस में कोई एंटीबायोटिक का रोल नहीं है, आपको हाइड्रेशन अच्छी रखनी है, सही, और सिम्प्टोमेटिक आप ट्रीट कर रहे होते हैं, तो ये चीज आप कवर कर सकते हैं। ऐसे डायरिया है, डायरिया में भी यही है कि आपको हाइजीन का बहुत ख्याल रखना है। आप अगर बच्चे को शुरू में तो मदर फीड पे ही होता है, अगर आपने उसको दूध दे रहे हैं कोई सभी, या टॉप फीड लोग वो शीशियों में एमएन फीडर्स में दे रहे होते हैं, तो वो बॉयल नहीं, उसको प्रॉपर, फिर आपको हाइजीन का बहुत ख्याल रखना है। तो इसमें तो एक बड़ा जो अहम रोल है वो माँ का है ना, माँ का देखें बहुत रोल है हर चीज में, और हमारे यहाँ माशाल्लाह से जितनी माएं काम करती हैं, तो वो तो घर भी संभालती हैं, बाहर भी ऑफिस भी संभालती हैं आजकल, जो जितनी खवातीन है माशाल्लाह, और फिर जब बच्चे रो रहे होते हैं रात भर जागती भी हैं उनके साथ, तो ये देखिए माँ तो माशाल्लाह से जितना ना उसकी तारीफ की जाए उसकी कम है। और फिर जब आपके बच्चे होंगे तो फिर आपको अंदाजा होता है कि यार कैसे हम लोग ने, हमारे माँ बाप ने हमें पाला है, तो वो तो देखें जब तो उनके पाँव में जन्नत है, सबसे बड़ी बात यही है, तो वो हाइजीन का बहुत ख्याल रखेंगे। लेकिन प्रिवेंट, मैं कहता हूँ प्रिवेंशन इज बेटर देन द ट्रीटमेंट,
सही है, बात है। तो आप प्रिवेंट करें, वैक्सीनेशन लगवा लें सारी। रोटा वायरस की वैक्सीन लगती है 6 मंथ से बिलो, तो वो आप लगवा सकती हैं डायरिया में, और आप इसको प्रिवेंट करें। और डायरिया का देखें कोई ऐसा इलाज नहीं है, मोशन रोकने की, वोमिट रोकने की कोई मेडिसिन नहीं होती। इसमें आपको क्या करना होता है, सिर्फ देखना होता है कि बच्चा डिहाइड्रेशन में ना जाए। डिहाइड्रेशन क्या, अगर आसान अल्फाज में बात करूं, पानी की कमी, सही, वो आपको देखना होता है बच्चे को। तो ठीक है, अगर पानी की कमी हो गई बहुत ज्यादा तो इसमें आपको सिर्फ, हाँ, पानी की अगर कमी ज्यादा हो जाए तो ये किडनी तक भी डैमेज कर सकती है, सही है ना। पानी की कमी आपको होने नहीं देनी, तो इसमें ये करना होता है आपको ORS पिलाना होता है बच्चे को, सही ना। अगर डायरिया हो रहा है उसको या वोमिटिंग हो रही है तो आप उसको ORS पिलाएं सिर्फ, कोई इसके लिए लाल पीली मेडिसिन की जरूरत नहीं, सही ना। सिर्फ आपको ORS देना है। फिर डायरिया है तो जिंक अच्छा है, जिंक का अच्छा है, प्रोबायोटिक आप ऐड कर सकते हैं। ये कोई मेडिसिन नहीं है, सही ना। ठीक है, और ORS जब देते हैं घर पे, जब माएं देती हैं तो वो बाहर से बना हुआ जो होता है, रेडीमेड बना हुआ, वो पिलाएं या फिर घर में बना दें, किसी फॉर्म में भी आप ORS देते हैं। जैसे ORS के तो साशे आते हैं, पहले नहीं होता था तो आप नमक चीनी का पानी बना के देते। मतलब बेस्ट कौन सा होता है, आपके पास अवेलेबल है जो, तो आप दे दें। लोअस्ट मतलब ORS एक आता है, वो आप दे सकते हैं, उसमें ऑस्मोलिटी जरा वो होती है तो आप जरा मेंटेन कर लेते हैं। फिर आपको ORS पिलाना है, सही ना। सिर्फ अगर आपको लग रहा है बच्चा बहुत ज्यादा निढाल हो गया, निढाल आपको पता चल जाता है कि पानी की कमी के साइंस होते हैं, सही ना। स्किन है कि हम पिंच करते हैं वो हमें पता चल जाता है, उससे बच्चा बहुत ज्यादा लिथार्जिक हो रहा है, निढाल हो रहा है, सही है। यूरिन पास नहीं कर सकता क्योंकि पानी की कमी हो गई, बच्चा रो रहा है, आंखों में आंसू नहीं आ रहे, सही है। तो कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो आप पिक कर लेते हो कि यार ये इसमें पानी की कमी हो गई, आपको हॉस्पिटल लेके जाना है, तो उसमें फिर वो IV लगाते हैं। तो इन चीजों का आपका ख्याल रखना जरूरी है कि आप बच्चे को असिस्ट करें। पहली दफा देखेंगे नहीं मैनेज हो रहा तो फिर आप उसको हॉस्पिटल दर्ज करें। इसमें कहने का मकसद यह था कि ये वायरल है, सही ना, तो इसमें एंटीबायोटिक शुरू से ना दें, आप थोड़ा सा इंतजार करें और देखें। और हम लोग कुछ डॉक्टर्स पले जाते हैं वहां पे, जो जगह है जैसे जो लोअर एरिया है वहां पे डॉक्टर्स भी नहीं होते, पता नहीं वो लाल पीली मेडिसिन बना के दे देते हैं, उल्टे और साइड इफेक्ट शुरू हो जाते हैं। इन चीजों का जरा ख्याल रखें। सही, और खादिम सैन आप मुझे ये बताते चले साथ साथ कि जब डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं और ऐसा होता है कि ड्रिप लगी हुई हो बच्चों को या वो खत्म हो जाए या बहुत ज्यादा बच्चा तंग कर रहा हो, रो रहा हो, तो आप लोग फिर किस तरह से ट्रीट करते हैं बच्चों को? अच्छा, उसमें तो ये है कि डॉक्टर्स के ऑर्डर्स तो कम्प्लीट हुए होते हैं कि बच्चे को ड्रिप चलानी है, बट समटाइम अगर बच्चे बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो रहे होते हैं और क्राई कर रहे होते हैं तो उसका ये होता है कि उस ड्रिप को हम थोड़ी देर के लिए होल्ड कर देते हैं कि जैसे वो बेबीज हो या बच्चा जो हो वो रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स हो जाए तो उसको बाद में कंटिन्यू करें, क्योंकि अगर बच्चा कंटिन्यू उसको ड्रिप लग रही हो, मूवमेंट कर रहा हो, तो फिर वो ड्रिप की जो सही से फ्रीक्वेंसी अंदर आई फ्लूड नहीं जा पा रहा होता बच्चे को, तो उसकी ये होती है कि उसके मदर को होल्ड करके मदर को दे दे, क्योंकि मदर के साथ तो बेबी ऑलरेडी अटैच्ड होता है बहुत ज्यादा, तो फिर रिलैक्स हो जाते हैं, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू कर लेते हैं। इसी तरह ठीक है। और इसके अलावा फिर क्या क्या बच्चों के साथ क्या क्या आपकी ट्रीटमेंट चल रही होती है? हाँ, ट्रीटमेंट तो अगर डॉक्टर्स हैं नहीं पूरी रात के लिए नहीं है, फिर तो एक डेढ़ घंटे के बाद दोबारा से बच्चे ने तंग करना शुरू कर दिया, तो फिर क्या करते हैं आप लोग? उसके बाद तो पहली बात तो हम जो डॉक्टर से ऑर्डर्स के बाद हमारी होती है ओनली फॉर द असेसमेंट, हम बच्चों को असेस कर रहे होते हैं, जिसको उसके IV कैनुला लगी हुई तो उसको जो ड्रिप जा रही है वो प्रॉपर जा रही है कि नहीं जा रही है, ठीक है। उसके बाद बच्चे को असेस करते रहना कि फीवर तो नहीं उसका रन कर रहा दोबारा, अगर रन कर रहा है तो उसके जैसे कोई ड्रग्स पैरासिटामोल या जो डॉक्टर प्रेफर कर चुका होता है तो उसको वो देना टाइम से, मगर टाइम टू टाइम ऐसा नहीं कि बार बार उस मेडिसिन को देना, नहीं। तो इसीलिए फिर हम इसी बात को कंटिन्यू करते हैं, फिर वो कंडीशन जो होती है फिर हम डॉक्टर को बता देते हैं कि इस तरह इसको इतनी दफा फीवर रन किया था। ऐसे होता है, मैं दोस्तों खादिम की बात में ऐड करता जाऊं, जैसे अगर आपका एक हॉस्पिटल है, सही ना, तो उसमें अगर 50 पेशेंट है तो आप उसमें 50 डॉक्टर अरेंज नहीं कर सकते, सही ना। तो उसमें आपको ये होता है कि हमारे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि हमारे इतना स्टाफ मौजूद नहीं होता, अगर बात करें तो हम उसमें, वरना ये होना तो यही चाहिए कि 3 पेशेंट पे एक स्टाफ मौजूद हो, लेकिन कहीं जगहों पे हमारे पास 10-10 पेशेंट पे एक स्टाफ होता है। तो स्टाफ का काम ये होता है, अगर आप NICU में है तो उसमें NICU की हर जगह की मैनेजमेंट बहुत अलग है, लेकिन इमरजेंसी में तो आप इमरजेंसी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, उसमें फिर आप नहीं देख रहे होते कि आपको इमरजेंसी प्रोटोकॉल देनी है, शॉक में बच्चे आ रहे हैं, आपको फौरन कैनुला लगा के फौरन सब चीजें उसमें मैनेज करनी है। तो अगर NICU में लोग हैं तो इनका काम है जी फीड देना, सही ना, उसमें NG फीड होती है, NG पास करके उसको फीड प्रॉपर देना, फिर हर वक्त सक्शन, अगर वैंड पे कोई बच्चा है तो सक्शन करना, IV लाइन तो हो गई है उसको ड्रिप को देखना, फिर एंटीबायोटिक टाइम पे आपको मिलनी चाहिए दवा, उस टाइम को मैनेज करना, सारी चीजें आपको असेस करना। तो ये हमारे ऐसे लाइन होते हैं जो हमें बता रहे होते हैं, जैसे डॉक्टर्स कोई RMOs हैं तो वो अगर कोई पेशेंट दूसरा देख रहा है तो ये एक आपको बता रहे होते हैं कि जी इस पेशेंट के वाइटल्स ये जा रहे हैं, सही ना, कि टेम्परेचर इतना है, हार्ट रेट कितना है, रेस्पिरेटरी रेट कितना है,
तो सेचुरेशन इतनी जा रही है अगर अगर टर्शियरी केयर में, तो वो हिसाब से फिर आपको ये हेल्प आउट कर रहे होते हैं कि डॉक्टर ये हो गया. तो ये बहुत एक अहम रोल होता है स्टाफ का, जिससे मैं तो ये कहता हूँ कि 50% 70% अगर जो बच्चे सही होकर जाते हैं उनमें स्टाफ का रोल होता है, क्योंकि इनकी मेहनत का काम होता है कि उसमें सेक्शन प्रॉपर मिलने चाहिए, उसमें प्रॉपर मेडिसिन मिलनी चाहिए. अगर मेडिसिन मैं लेके चली जाऊँ वो मिले ही नहीं तो फिर तो कुछ नहीं होना ना. तो वो एक टीम एफर्ट है कि डायग्नोज कर लिया, अब सारा काम फिर इनका, फिर उसको प्रॉपर मेडिसिन देना, उसको सही तरह सेक्शन करना. और बहुत देखिए इतना थोड़ा सा ये मुश्किल काम भी है, एनजी पास करना और फिर उसको प्रॉपर उसको फीड देना, उसमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है. आप फास्ट फीड नहीं दे सकते, उससे फिर प्रॉब्लम्स हो जाती है. जो छोटे प्रीटर्म बेबीज होते हैं उनमें नेक डेवलप हो जाता है, तो उसको मैनेज करना, हाइजीन का बहुत ख्याल रखना. तो ये सारी चीजें बहुत अहम रोल है इन लोगों का. और जैसे ये लोग काम कर रहे होते हैं, जैसी जैसी चीजें ये कर रहे होते हैं मरीजों की, कोई आपके मेंटली टारगेट पेशेंट्स हैं उनकी ये हेल्प आउट कर रहे होते हैं, बच्चे हैं उनकी सारी, तो ये बहुत इनका बहुत ही एक ऐसा काम है जिसकी बहुत आगे जाके रिस्पेक्ट होनी चाहिए. तो सही, ठीक है. अच्छा, बच्चे जब जैसे बच्चे की बर्थ हो जाती है उसके फौरी बाद ऐसा होता है कि उसे टाइफाइड हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता. बर्थ के फौरन बाद नहीं होता टाइफाइड. यूजली मैंने आपको बताया ना कि जो बच्चे बाहर से खाना खा रहे होते हैं तो ये 2 साल के बाद, 2 साल के बाद का, जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं 3 साल 4 साल के जो होता है ना, जो स्कूल गोइंग जो बाहर से खाना, क्योंकि डिजीज है वाटर, इसमें ये बाहर के कंटेमिनेटेड फूड और उससे होता है ये आपको ना वाटर से, तो ये ज्यादातर बड़े बच्चों में हमने देखा होता है. जैसे 4 साल 5 साल 6 साल के बच्चों, जो स्कूल गोइंग 3 साल के बच्चे होते हैं, 2 साल के बाद हमने ज्यादा देखा है, ठीक है ना, तो उसमें ज्यादा ये कॉमन होता है. न्यू बॉर्न बेबीज के बाद, तो फिर आप मैंने बताया ना सारी चीजें. देखिए न्यू बॉर्न बेबीज के बाद आपका पहला साल बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले साल में थोड़ी सी मैं आपको बता दूं, जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो उसका एक एवरेज वेट होता है, तो नॉर्मल वेट जो हमारे मुल्क में वो 2.5 से 4.2 केजी है, सही ना. एवरेज आप 3 केजी रख लें, सही है. 6 मंथ पे 6 केजी आप रख लें, एक साल पे 9 या 10 केजी आप रख लें, सही है. तो आप देखें एट बर्थ 3 केजी अगर आप था तो एक साल में 10 केजी आ गए, तो कितना वेट ये बढ़ रहा है. तो पहले साल की ग्रोथ बहुत जरूरी है. अगर आप हाइट की बात करें तो पहले साल जब बच्चा न्यूबॉर्न पैदा होता है तो उसकी ऑलमोस्ट 48-50 हाइट होती है, ठीक है, लेंथ जो आप कहते हैं, और पहले साल पे 75 हो जाती है. अच्छा, तो 25 सेंटीमीटर लेंथ बढ़ रही है, 7 किलो वजन बढ़ रहा है. सही. अगर आप दूसरे साल पे जाएं, पहले साल पे अगर आपने 10 केजी रखा है तो दूसरे साल पे नॉर्मल वेट 12 है. अच्छा, सही है. और लेंथ अगर आप लगा रहे हैं तो 80, तो 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर लेंथ बढ़ रही है और 2 किलो 2.5 किलो वजन बढ़ रहा है. तो आप लगाएं, पहला साल बहुत जरूरी है हर चीज के लिए, तो उसमें आपको बहुत ख्याल रखना है. सही है कि मदर फीड तो आपको देना ही देना है, 6 मंथ तक तो देना ही मदर फीड है. उसके बाद आपको प्रॉपर एक हेल्दी डाइट, उसमें जो होता है जैसे बच्चों में हम एक स्टार्ट करते हैं सूजी दे देते हैं या मैश करके आलू, एक ऐसे आप तेज उनके डेवलप कर रहे होते हैं, सही ना. कोशिश करते हैं चावल वाली चीजें हम जरा बाद में दें, सही ना, उसको जरा मुश्किल करना होता है डाइजेस्ट करना, तो उसमें आपको बहुत सारे डिजीजेस का भी पता चल जाता है. और इस बात से बाद में तो मैं आपको बता दूं कि हमारे मुल्क में कहते हैं जी जो बच्चा मोटा है ना बस वही सेहतमंद है. जी सही, तो सही बात कही. और हम लोग लगे हुए होते हैं उसको मोटे करने के लिए. तो कल मैं एक जगह पे था तो वहां पे एक बड़े अच्छी एक सेमिनार था, उसमें बता रहे थे कि ज्यादा प्रोटीन जो है वो भी नुकसानदेह है. अच्छा, सही है. जो होनी है वो बता रहे थे कि जो ज्यादा घी और ये सब भर भर के हम लोग दे रहे होते हैं तो आगे जाके सी बहुत सारी जो हम देख रहे हैं कि शुगर हमारे लोगों में बहुत ज्यादा कॉमन हो रही है, हाइपरटेंशन में हमारे लोग बहुत ज्यादा जा रहे हैं. तो ये इस वजह से कि हमने इतने डाइट नहीं रखी प्रॉपर, हम उसको दे जा रहे हैं प्रोटीन के, बस ये ज्यादा नुकसान दे. देखिए हर अगर बच्चे का वजन कम है, जैसे हम लोग कहते हैं प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, अगर उसका बच्चे का वजन कम है तो वो भी उसमें है, और बच्चे का वजन अगर ज्यादा है तो वो भी प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन में आ जाता है. हमारी क्लासिफिकेशन है उसमें हम देखते हैं अगर इतना वजन ज्यादा है तो वो भी बीमारी है. हाँ, और कम है तो वो भी बीमारी है. तो यही कि बच्चा जो मोटा है वही सेहतमंद, सही ना. आप अकॉर्डिंग टू एज वेट सब चीजें आपको देखनी होती है. बहुत सारे बच्चे अकॉर्डिंग टू वेट नॉर्मल होते हैं तो वो नॉर्मल है, वो सही. आप जबरदस्ती उनको खिलाफ ला के मोटा ना करेंगे, प्रोटीन खिलाते रहेंगे, बस ये जी बहुत सेहतमंद. ठीक है सर, आपने अपने एनजीओ को बताया था, एनजीओ भी आप चलाते हैं, तो आप उसके बारे में भी कुछ बताएं. देखिए अल्लाह फाउंडेशन जो बेसिकली हम लोगों ने बनाई है, उसमें हम सारे यंग डॉक्टर्स, हमारे साथ सीनियर्स भी इन्वॉल्वमेंट थी. हमारे मुल्क में अभी हमारे शहर में प्रॉब्लम ये, हमारे पास पीडियाट्रिक में इतनी जगह मौजूद नहीं है अच्छी, जिसमें हम कहते हैं टर्शरी केयर. एनआईसीयू केयर होता है जो न्यूबॉर्न बेबीज की हम बात करते हैं, जिनको शीशे की जरूरत पड़ती है, इंक्यूबेटर केयर चाहिए होती है और वेंटिलेटर चाहिए होता है. वेंटिलेटर तो देखें बहुत ही मुश्किल काम है, यूनिट्स में बहुत कम जगहों पर आपको ये सामान मिलेगा. फिर पीआईसीयू केयर, पीआईसीयू तो बहुत ही हमारे कम जगहों पर है, सही ना. बच्चों के हवाले से लोग डरते हैं क्योंकि बहुत मुश्किल होता है इनको मैनेज करना,
और जहाँ अवेलेबल है वहाँ इतने महंगे हैं कि आप सोचें पर डे के जो चार्ज हैं, अगर आप वेंटिलेटर के लगा लें न्यू बॉर्न्स में, तो वो 20,000 से 80,000 रुपए पर डे चार्ज करते हैं। तो 20,000 से 80,000 पर डे कौन आप बताएं वो पे करेगा? सही बात, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमारे पास उधर इतना बर्डन होता है कि हमारे पास वो हमेशा भरे हुए रहते हैं, क्योंकि आप इतनी आबादी को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो फिर मैंने कहा यार वो काम करें जो जिससे लोगों को फायदा हो। ओपीडी हर जगह मौजूद होती है, हर जगह लोगों को ओपीडी मिल जाती है, 100 रुपए में मिल जाती है, सही ना? वो ये जो काम है ये बहुत मुश्किल काम है और ये इमरजेंसी होती है, आपको फॉरन वेंट की नीड है और फॉरन आपको मैनेज करने सारी चीजें। तो हमने फिर NICU केयर से स्टार्ट किया, हमने NICU बनाया जहां पे हम लोगों को फ्री इलाज करते हैं, जो गरीब हैं, जो बेचारे नहीं अफोर्ड कर पाते, क्योंकि बहुत सारे अस्पतालों में है थोड़ा सा ये है कि वो कहते हैं जी एडवांस में आप 1,00,000 रुपए जमा करें वरना अपने बच्चों का इलाज नहीं करेंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं ये हमारे पास। तो फिर हमने उन लोगों का इलाज है कि हमारे यहाँ कुछ सबका इलाज हो, आई मीन कोई पैसों की वजह से किसी बच्चे का इंतकाल ना हो। और हम लोग पीड़ित के डॉक्टर हैं सारे, हमारे साथ मेरी फील्ड ये है और जहाँ मैंने ट्रेनिंग ली NICU, वहाँ तो हमारे पास बहुत ही बच्चे होते हैं। तो फिर हम लोग, हमारे लिए इतना प्रॉब्लम नहीं है इसको मैनेज करना, और एक्चुअली इसका इतना खर्चा भी नहीं है जितना दिखाया जाता है। तो उसमें फिर हमने काम किया, उसको फिर हमने NICU ट्रीट करते स्टार्ट लिया, और माशा से 4 साल हो गए ऑलमोस्ट उस काम को करते करते। तो उसमें सारे डॉक्टर्स मेरे साथ इन्वॉल्व हैं। फिर उसमें हम लोग ने कैंप्स, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे हम कैंप्स करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, ताकि लोगों को समझाएं कि अगर आप गरीब हैं तो ये जरूरी नहीं कि बस ये आपने इलाज नहीं करवाना, आपको बहुत सारी चीजें आप बच सकते हैं, आप वैक्सीनेशन लगाएं जाके वो फ्री आपको लग रही है, उससे आप बीमारी से बच सकते हैं, आप प्रॉपर हैंड वॉशिंग करें, सही है। फिर अभी हमने ऑपरेशन थिएटर स्टार्ट किया है, तो हम उसमें फ्री ऑपरेशन लोगों को करके दे रहे हैं, क्योंकि गायनी की प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास गायनी के प्रॉपर सेटअप नहीं है, प्रॉपर डॉक्टर्स ऑपरेट नहीं कर रही होती है, सॉरी टू से, लेकिन वो थोड़ी सी जगहों पे जो डॉक्टर्स भी नहीं है और वो जो हम देख रहे थे टीवी पे छापे पड़ रहे हैं और ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। तो फिर हम लोग इस हवाले से, मैंने कहा जो ऐसा मुश्किल काम है वो हमारे NGO सारी मिलकर करेंगे। अच्छी बात है, माशाल्लाह, अल्लाह पाक आप लोगों को और भी ज्यादा हिदायत दे और हिम्मत दे, जज्बा दे, ताकि ये काम आप लोग कर सकें और भी। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि डॉक्टर आतिफ मंसूर और खादिम हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई बच्चों से रिलेटेड, के बच्चों का खास ख्याल रखा करें, न्यू बॉर्न बेबीज जो होते हैं और जो बच्चे स्कूल गोइंग ऑन होते हैं उनको बाहर खाना मत खिलाया करें, और जो माएँ होती हैं वो लंच बॉक्स दे दिया करें अपने साथ ही कि बच्चे जा रहे हैं स्कूल में तो ब्रेक टाइम में वो कुछ ना कुछ खा लें, और बाहर खाना जो है उससे बिल्कुल भी अवॉइड किया करें। टाइफाइड इसी से हो जाता है, और टाइफाइड जब हो जाए तो वो डेडली होता है बहुत ज्यादा, आपको ही पता है। ठीक है नाज़रीन, अब हमारे ब्रेक का टाइम हो चुका है, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो अपने न्यू गेस्ट के साथ होंगे एज यूजुअल।